हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने, जैसे आपको पता होगा, 10 AM पे हम बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आते हैं और आज सैटरडे है तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, वीकेंड का डे है। आप आई थिंक एंजॉय कर रहे होंगे, बट पढ़ाई हमको कंटिन्यूस करते रहना है। 10 AM पे मैं 10 क्वेश्चन आपके सामने डेली लेके आता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज विथ करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व करते हैं, तो आज हमारा MCQ सीरीज में आता है पॉलिटी सेक्शन, याद रखिएगा। और ये लेक्चर नंबर 48 है, तो याद रखिएगा ऑलरेडी 47 लेक्चर्स में ऑलरेडी बना चुका हूँ, सिर्फ दो लेक्चर और दूर हूँ उसका, 50 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ज़रूर एक बार हमारी प्लेलिस्ट को चेक करिए, आप हर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और आज के क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप UPSC या स्टेट सर्विसेज के कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत एडवांटेज होंगे ये क्वेश्चंस। ओके, प्लस अगर आप अदर एग्जाम्स भी दे रहे होंगे उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही आप इसको लाइक करिएगा, वरना एंड तक तो आप एक बार जरूर देखें। ओके, तो याद रखिएगा, अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं कि सर कौन कौन से कोर्सेज आपके एप्लीकेशन में है, तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है देवशीष क्लासेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप ऐप को डाउनलोड कर लें रिमेंबर, और फिर वहां से आपको हमारे एप्लीकेशन के बारे में UPSC के, स्टेट सर्विसेज के, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, इवन ऑप्शनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आपको वहां कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, तो एक बार जरूर विजिट करें। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारे पॉलिटी के वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने पहला क्वेश्चन ही ट्रिकी और इजी क्वेश्चन दे दिया है। देखिए, मैंने दोनों वर्ड यूज किए, ट्रिकी एंड इजी, तो क्वेश्चन को जरूर देखिए। द मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन, दैट इज स्टेट PCS की बात कर रहा हूं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, कैन बी रिमूव बाय, मतलब अगर जो मेंबर होता है स्टेट PSC का, फॉर एग्जाम्पल MPPSC का जो स्टेट का जो मेंबर होगा, MPPSC के जो मेंबर्स होंगे उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। पहले तो देखिए, दो ऑप्शन में गवर्नर है, दो ऑप्शन में प्रेसिडेंट है। पहले में है गवर्नर विद द हेल्प ऑफ विद द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर ऑन द रेजोल्यूशन पास बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या प्रेसिडेंट ऑन द रेजोल्यूशन पास बाय पार्लियामेंट। ओके, ऑप्शन देखते ही लोगों ने कहा होगा सर इसको रिमूव गवर्नर करता है, तो पहला आंसर सही होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, पहले दोनों ही गलत हैं, चाहे वो स्टेट PCS की बात करूं या UPSC की बात करूं, याद रखिएगा रिमूव प्रेसिडेंट ही करता है। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बस सी है, ऑन द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। जो लोगों ने जल्दबाजी में ए लगा दिया तो ए मत मार्क करिए, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। ओके, कमेंट बॉक्स में आप जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके, वहां के स्टेट PCS के चेयरमैन का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आपके स्टेट का PCS का चेयरमैन कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीवी आइलैंड, जिसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया था, किस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, वो एक्ट कौन सी ईयर में आया था, 1970, 1971, 72 या 73। अब ये बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है कि किस ईयर में आया था, बट ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेट PCS में, मैच द फॉलोइंग में, UPSC में देखने को मिलते हैं। ओके, इसको भी याद कर लीजिए, करेक्ट आंसर डी है, ये भूल गए हैं तो नॉलेज में अपडेट करिए। 1973 का एक्ट था, याद रखिएगा, जिसमें इसमें यूनियन टेरेटरी, आपको भी पता होगा आज के लक्षद्वीप इज अ यूनियन टेरेटरी। कमेंट बॉक्स में लक्षद्वीप की कैपिटल जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ओके, कि यहाँ की कैपिटल क्या है। ओके, तो आई एम वेटिंग कि आप लक्षद्वीप की कैपिटल मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन अगेन अ इंटरेस्टिंग, इजी बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पेंशन ऑफ हाईकोर्ट जज इज चार्ज्ड फ्रॉम, ठीक है, हाईकोर्ट जज की जो पेंशन होती है वो चार्ज्ड कहां से की जाती है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया हुआ है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट वेयर द लास्ट सर्व्ड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ डिफरेंट स्टेट वेयर ही हैज सर्व्ड, या तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ओके, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, इट्स एन ईजी क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग। आई थिंक बहुत जल्दी लोगों ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट लगाने की कोशिश की होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, याद देखिएगा पेंशन ऑफ हाईकोर्ट जजेस चार्ज्ड, रिमेंबर, ठीक है। अब ये चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है उसके लिए पॉलिटी का मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर ऐप को डाउनलोड करें, पॉलिटी का लेक्चर देखिए, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। अब जिन्होंने मुझसे पॉलिटी पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ एक बार ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पॉलिटी के लेक्चर्स दिए हुए हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंदर है, कमेंट बॉक्स में मुझे आर्टिकल नंबर मेंशन करिए, CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंदर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ में आते हैं, दिस इज एन ईजी क्वेश्चन। ओके, सीधा सा क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर, मतलब मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कहाँ से आते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये तो सबको पता होगा सर, पब्लिक तो चूज नहीं करती है राज्यसभा के मेंबर, ये तो सबको पता है, तो पहला ऑप्शन तो मैंने कट कर दिया,
ठीक है। सेकंड है इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं क्या, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को। ओके, थर्ड क्या लिखा हुआ है, विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल गलत है। इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट, बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन था, ये तो गलत नहीं होना चाहिए था। ओके, और ये भी गलत हुआ है तो एक बार यार बेसिक आप पॉलिटी करो, क्योंकि जल्दबाजी में भी गलत कर रहे हो तो अगेन इट इज हार्मफुल फॉर यू। ओके, क्योंकि यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ओके, तो याद रखिएगा अगर आप यूपीएससी का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ साथ मैं आपको बोलूंगा सीएपीएफ की जरूर तैयारी करें, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। रिमेंबर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, ग्रेड ए पोस्ट है, बड़ा ईजी एग्जाम है, सिंगल डे में आपको ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। डिटेल्स चाहिए इसके बारे में, नंबर मेंशन है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को भी विजिट कर सकते हैं। कैसे क्रॉस करना है इस एग्जाम को, कहले कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, या तो आप कॉल भी कर सकते हैं रिमेंबर, या हमारे ऐप को भी विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ में आते हैं। अगेन ईजी स्टैटिक और ट्रिकी क्वेश्चन। मैंने यहां पर पूछा है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की मैंने बात की है। ओके, मैंने पूछा किस आर्टिकल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के अंदर कैट दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल मेंशन है। ऑप्शंस है 323A, 323B, 343C, 343K, ये ऑप्शंस मेंशन है। ईजी लग रहा होगा बट देखिए ऑप्शंस ट्रिकी हैं कि नहीं, बिल्कुल ट्रिकी है और यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, 323A, याद रखिएगा। टॉक्स अबाउट वॉट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये 323A जो है ये किस पार्ट में है, पार्ट नंबर भी मुझे यहां पर कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप मुझे ट्राइब्यूनल्स का पार्ट नंबर भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपको पता होगा 22 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कौन सा पार्ट 323A की बात करता है। ओके, और हो सके तो ट्राइब्यूनल्स जो है ये पार्ट, और ये मैं बता दूं ये एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, याद रखिएगा। तो अमेंडमेंट नंबर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिमेंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अभी चुनाव का टाइम है, इलेक्शंस का टाइम है, तो एमसीसी की क्यों ना बात हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हिंदी में आचार संहिता कहते हैं। ओके, मैंने पूछा एमसीसी जो है इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है, इज, रिमेंबर ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, ये एग्रीमेंट है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज का, ये स्टिमुलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, या ये आरपीए का जो एक्ट है 1951 उसमें मेंशन है। ओके, तो आपको बताना है एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन लगाती है, बट बताइए कहां पर मेंशन है। अब देखिए ये बन जाता है ट्रिकी क्वेश्चन, जिसको एमसीसी के बारे में नहीं पता होगा वो नहीं बता पाएगा, बट जिसको पता होगा यस इट इज करेक्ट आंसर इज बी, एग्रीमेंट बिटवीन ऑल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। याद रखिए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के बीच में ये एग्रीमेंट है जो हर पॉलिटिकल पार्टी इसको फॉलो भी करती है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एमसीसी के बारे में डिटेल्स पढ़ाई हुई है, डिमांड है कि इसको उसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग दे देनी चाहिए, मतलब लॉ ऑफ पार्लियामेंट में इसका एक लॉ बन जाना चाहिए, बट अभी तक नहीं बना है, रिमेंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, सीधा सा क्वेश्चन है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए हु इज प्रेजेंटली द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन तो आपको पता होगा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो होता है चेयरमैन, बट डेप्यूटी चेयरमैन के मैंने पूछा है कि डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राज्यसभा का क्वेश्चन क्या है, हु विल बी इलेक्टेड एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कौन इलेक्ट हो सकता है, एनी पर्सन जो कि राज्यसभा का मेंबर हो, एनी मेंबर जो वर्किंग हो राज्यसभा में, रिमेंबर, एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, या पर्सन नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। ऐसा तो नहीं है कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर बन जाएगा, ये भी गलत है कि प्रेसिडेंट इसको नॉमिनेट वगैरह करेगा, ये भी नहीं। अब ए और बी में से आंसर है, एनी पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, एनी मेंबर हु इज वर्किंग एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो एलिजिबिलिटी हो, आप राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राज्यसभा के अगर मेंबर होंगे तो ऑफकोर्स आप डेप्यूटी चेयरमैन बन सकते हैं, ऑफकोर्स इसका इलेक्शन होगा, बट याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ए नहीं है, याद रखिएगा। ए में आप एलिजिबल बस नहीं होने चाहिए राज्यसभा के मेंबर, एलिजिबल आप राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए तभी आप डेप्यूटी चेयरमैन बन सकेंगे। ओके, कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी रिसेंट एक साइक्लोन जवान, ठीक है, बड़ा न्यूज में आ गया, अभी एक दो दिन की ही बात है, रिमेंबर, है ना, 9th की ही बात है, 9 दिसंबर की, उड़ीसा में, ठीक है, याद रखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में ये टकराया है, रिमेंबर, मतलब बे ऑफ बंगाल में आया है। मैंने क्वेश्चन पूछा ये साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने रखा हुआ है, इंडिया, सऊदी अरेबिया, म्यांमार, पाकिस्तान, रिमेंबर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, करेक्ट आंसर सऊदी अरेबिया, रिमेंबर। तो इसका नाम जो है साइक्लोन जवाद, इट वॉज डेवलप गिवन बाय हुम, दैट इज सऊदी अरेबिया। ओके, चलिए
नाइन्थ क्वेश्चन अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच नेशन हैज अनाउंस द बॉयकॉट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स, 2022 में विंटर ओलंपिक्स हो रहा है बीजिंग में, दैट इज चाइना में, किस कंट्री ने बोल दिया हम यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बॉयकॉट कर दिया उन्होंने, जापान, इंडिया, यूएस या जर्मनी। ओके, कुछ लोग सोच रहे हो इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया होगा। ओके, इंडिया का चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, बट नहीं, इंडिया ने नहीं किया है, इसको बॉयकॉट किया यूएसए ने, रिमेंबर। तो अगेन ईजी क्वेश्चन है बट स्टैटिक है, जिसको नहीं पता जरूर यह भी पता चल गया विंटर ओलंपिक्स इस बार बीजिंग में हो रहा है। ओके, और यूएस ने इसको बॉयकॉट करने की बात की है। अब आप सोच रहे हैं क्यों बॉयकॉट किए, क्योंकि जो यूएस है, याद रखिए वहां पर चाइना जो है, जो यूएस इसलिए बॉयकॉट किया, चाइना जो है याद रखिएगा वहां पर्टिकुलर सिटीज में देखा जा रहा है कि क्राइम करी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसी के अगेंस्ट में यूएस वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है। ओके, और जाते आते 10th क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, याद रखिए कानगरी में, कानगरी की अभी सेल बड़ी बढ़ गई है, ठंड का समय भी है इसलिए, तो यार ये कनगरी होता क्या बता दूं, देख सकते हैं आप एक बास्केट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आप देख रहे हो कोयला वगैरह डला हुआ है, कोल डला हुआ है, और यहाँ पर इसको मतलब ठंडी के टाइम पर इसको टांग दिया जाता है, और बड़ा ही रूम अगर गर्म हो, ठंडा हो तो गर्मी करने में काम आता है, गर्म करने में काम आता है, तो ठंड के टाइम पर बहुत यूज़ होता है। तो अभी रिसेंटली इसकी सेल भी बढ़ गई है, तो मैं पूछे ट्रेडिशनल हीटर कहते हैं इसको, ट्रेडिशनल हीटर याद रखिएगा, है ना, कंप्राइजिंग अर्थवेयर इन द विकर बास्केट, रिमेंबर, हैज बीन मेनली यूज इन, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, बड़ा अच्छा है, ठीक है, ऑप्शन है न्यू दिल्ली, नागालैंड, जम्मू कश्मीर या केरल, इमेज देख के तो समझ में भी आ रहा होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल, ड्रेस भी आप देख रहे हैं, बर्फ भी आपको दिख रही है, करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, रिमेंबर। सो बड़ा इंपॉर्टेंट, अब इसकी सेल बढ़ गई है क्योंकि ठंड आ गई है, तो ऑफकोर्स ये एक नेचुरल हीटर है, याद रखिएगा हीटर है, ट्रेडिशनल हीटर आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको यूज़ किया जाता है, उसकी इमेज मैंने आपको बता दी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, सो ये यहाँ पर हमारे जो 10 क्वेश्चंस थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, बट अगर आप यूपीएससी का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 22 में पेपर देने वाले हैं, तो मेरा मानना है एक बार टेस्ट सीरीज को हमारे जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, 2022 की पूरा सिलेबस स्केड्यूल जो है प्रॉपर मेंशन है, एक बार ज़रूर विजिट करें आप जाकर एप्लीकेशन में हमारे टेस्ट सीरीज के स्केड्यूल को, और वहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, कोई डिटेल है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंशन कर रखा है। आपने एंड तक अगर वीडियो देखा है तो आई होप आपको समझ में आया होगा कितने ईजी क्वेश्चन थे बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, आप ये कह सकते हैं, और ट्रिकी क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी में आप एग्जाम में गलत करते हैं, रिमेंबर, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को यहां लेके आता हूं, एक बार आपको इन क्वेश्चंस को आप करते होंगे आपको याद आता होगा, फिर से पॉलिटी पढ़नी है या भूल गए एक बार रिवाइज करनी है, तो इसीलिए ये सीरीज हमारे चलाने का मतलब है, रिमेंबर, आप यहां से कुछ सीख के जाएं, दैट इज द अल्टीमेट एजेंडा ऑफ दिस सीरीज, रिमेंबर। तो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, आपको डेली 10 AM पे ये इंटरेस्टिंग सीरीज आपको मिलती रहेगी, और हम जल्द ही इवनिंग में भी एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, विद इन 2-3 days वो इनिशिएटिव आपको पता चल जाएगा, रिमेंबर, तो जरूर आप हमारे लेक्चर्स को तब तक देखते रहें, और कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बट याद रखिएगा जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे उनको भी कमेंट करिए, अगर आपको याद हो मैंने क्या क्या पूछा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, थैंक यू।